Subscribe and press the bell icon for latest update. मैं अपना खास प्रोग्राम गुजरात का दंगल लेकर हाजिर हूं अपने सहयोगी काशिफ अली के साथ और मेरे दोनों हाथ में एक तरफ बीजेपी की लिस्ट है जो कि आखिरी लिस्ट है, छठी लिस्ट है और इधर है कांग्रेस की तीसरी लिस्ट। लेकिन अभी फिलहाल बात करूंगी बीजेपी की छठी लिस्ट की। आज इस लिस्ट के साथ ही बीजेपी ने गुजरात विधानसभा चुनाव की 182 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। लेकिन इस बार सबसे बड़ी वजह बनी है आनंदीबेन पटेल, क्योंकि उन्हें टिकट नहीं मिला है। और जब बीजेपी की तरफ से लिस्ट जारी की गई तब आनंदीबेन पटेल के समर्थकों ने बवाल किया है काफी, और उसको लेकर कहा गया है कि आनंदीबेन को टिकट क्यों नहीं दिया गया। आपको बता दूं कि आनंदीबेन पटेल साल 2012 में बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ी थी और वहां पर उन्होंने जीत दर्ज कराई थी जिस सीट से उन्होंने चुनाव लड़ा था। आपको दिखा सकती हूँ मैं कि उन्होंने घटलोडिया सीट से 2012 में उन्होंने चुनाव लड़ा था और उनको 154,599 वोट दिए थे गुजरात की जनता ने। और उन्होंने आईएनसी कांग्रेस के उम्मीदवार रमेश भाई को हराया था, रमेश भाई दूधवाला पटेल जो कि पटेल समुदाय से आते हैं, उन्होंने उनको हराया था। उनको खाली 44,204 मिले थे जबकि आनंदीबेन पटेल को 154,599 वोट मिले थे। अब इस बार आनंदीबेन पटेल को टिकट नहीं दिया गया है। और सबसे बड़ी बात यह कि अभी कुछ ही दिनों पहले जब तारीखों का ऐलान हुआ था उसके बाद ही शायद आनंदीबेन पटेल ने कहा था कि वो चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर नहीं कर रही हैं, वो चुनाव लड़ने की इच्छुक नहीं है। काशिफ जी, आनंदीबेन को टिकट नहीं दिया गया जबकि वो उम्मीदवार रही हैं, विजयी उम्मीदवार, हालांकि बीजेपी ने कई उम्मीदवारों को टिकट दिया जो पहले चुनाव जीत चुके हैं, तो इनको टिकट क्यों नहीं दिया? देखिए, आनंदीबेन पटेल के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में जब मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था गुजरात में, तो आनंदीबेन पटेल को मुख्यमंत्री बनाया गया था और काफ़ी वो करीब 1.5 साल तक वहाँ मुख्यमंत्री रही। लेकिन उसके बाद जब वो पाटीदार समाज का आंदोलन हुआ तो कहीं ना कहीं उसमें वो नाकाम साबित हुई थी। इस वजह से जो है भारतीय जनता पार्टी आनंदीबेन पटेल से दूरियां बना रही है, वो आनंदीबेन पटेल को लाना नहीं चाह रही है कि जिस वजह से, हालांकि वो विजय रह चुकी हैं अपनी सीट से, वहां पर जीती हैं, उसके बावजूद भी उनको टिकट नहीं दिया गया है क्योंकि वो आनंदीबेन पटेल से लोग जो है पटेल समुदाय कहीं ना कहीं नाराज़ है और जो इस वक्त आरक्षण की मांग कर रहे थे, कहीं ना कहीं आनंदीबेन पटेल ने उनकी आरक्षण की मांग को उचित तरीके से नहीं उठाया था कहीं ना कहीं, उस वजह से जो है बीजेपी और जो बीजेपी का ऊपर का जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं आनंदीबेन पटेल से दूरियां बना रहे हैं। आपको दिखाना चाहूंगी घाटलोडिया 41 नंबर की सीट है और वहाँ से खड़ा किया है इस बार बीजेपी ने श्री भूपेंद्र भाई पटेल को। लेकिन जिस ना काशिफ जी आपने बताया कि वो पटेल समुदाय का जो आरक्षण हुआ था उसको हैंडल नहीं कर पाई और यही उनकी सबसे बड़ी नाकामी साबित हुई और इसलिए उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाकर कहीं ना कहीं विजय रूपाणी को मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन आपको क्या लगता है आनंदीबेन पटेल इसके लिए पूरी तरह जिम्मेदार थी, क्योंकि गुजरात अमित शाह जो स्ट्रैटेजी बनाते क्या इसके लिए बहुत जिम्मेदार नहीं है? बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है कि जो पार्टी के ऊपर के जो लोग जो होते हैं, चाहे वो अमित शाह हों या फिर नरेंद्र मोदी हों, तो कहीं ना कहीं वो लोग, लेकिन जिस तरीके से आनंदीबेन पटेल को इस वजह से जिम्मेदारी दी गई थी मुख्यमंत्री, क्योंकि नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री पद से वहां से इस्तीफा दिया था तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनको दी गई थी, गुजरात उनको दिया गया था, लेकिन वो गुजरात में जो एक बड़ा आंदोलन छिड़ गया था पटेल आंदोलन, उसको वो हैंडल नहीं कर पा रही थी, उनको समझ नहीं आ रहा था कि किस तरीके से पाटीदार लोगों को जो है वो आश्वस्त किया जाए, किस तरीके से उनको डील किया जाए, और कहीं ना कहीं उसके लिए बीजेपी, और यही वजह है कि वो पाटीदार समाज जो कभी बीजेपी के साथ खुलकर सामने आया करता था, आज वही पाटीदार समाज बीजेपी के लिए सिरदर्द बन गया है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी इसके लिए आनंदीबेन पटेल को जिम्मेदार मानती है। मानती है, हो सकता है कि आनंदीबेन पटेल जिम्मेदार नहीं हो लेकिन कहीं ना कहीं पूरी पार्टी की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि आपने जिस पद पर उन्हें काबिज किया गया है उसके लिए कहीं ना कहीं पार्टी भी थोड़ी बहुत तो कहीं ना कहीं उसकी भी जिम्मेदारी बनती है। आपको बताना चाहूंगी 182 सीट का पूरा आंकड़ा जो है बीजेपी ने इस बार भी जातीय समीकरण खेला है, 12 SC 28 ST 52 पाटीदार और 61 OBC लोगों को टिकट दिया गया है। मैंने टिक किया है, मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि इस बार जो छठी लिस्ट है बीजेपी की उसमें आप देख सकते हैं विसनगर से पटेल हैं, बेचारजी से पटेल हैं, बायट से चौहान हैं, आदे सिंह मान सिंह चौहान, गांधीनगर दक्षिण से OBC खड़ा किया उन्होंने शंभू जी चेलाजी ठाकुर, गांधीनगर उत्तर से श्री अशोक भाई पटेल, कलोल से अतुल भाई पटेल, इधर भी देख सकते हैं मनी नगर हो, अमरायवड़ी हो,
घाट लोड़िया हो, विरम गाम हो या साबरमती हो, हर जगह से पटेल को टिकट दिया गया है। पेटलाद वहां से भी पटेल को ही उम्मीदवार बनाया गया है। क्या लगता है इस बार पटेल कांग्रेस भी पटेल पाटीदारों को टिकट दे रही, बीजेपी भी सब पूरा पटेल ही हो गया है, क्या खाली वोटर्स वहाँ पे पटेल ही रह गए हैं? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से लगातार जो है जब से चुनावों की घोषणा हुई थी गुजरात में, तो लगातार बीजेपी और कांग्रेस में सिर्फ पाटीदार समाज को ही, पटेल समुदाय को ही रुझाने की कोशिश हो रही थी, क्योंकि जाहिर सी बात है वो मैटर करता है इस वक्त गुजरात की राजनीति में कहीं ना कहीं, क्योंकि सीधा सीधा 80 से 82 सीटों पर पटेल समुदाय जो है वो तय करता है कि किसकी। अब जाहिर सी बात है अगर 182 सीटों में अगर 80 सीटें जो हैं वो अगर पटेल समुदाय तय करता है कि किसकी हार और जीत होनी है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस पटेल समुदाय को। और मैं कांग्रेस की लिस्ट की बात करूं तो मेरे हाथ में कांग्रेस की लिस्ट आप देख सकते हैं, और जितने मैंने टिक किए हैं हाईलाइटर से वो सारे पटेल हैं। कांग्रेस ने अपनी तीसरी लिस्ट में पटेलों को तरजीह दी है, हर बार की तरह इस बार भी बीजेपी से कड़ी टक्कर लेने की पूरी कोशिश कर रही है कांग्रेस। देख सकते हैं पटेल 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 पटेल, ये देखिए हर जगह से पटेल। कम से कम इस बार कांग्रेस ने इस लिस्ट में, तीसरी लिस्ट में 20 पाटीदारों को जगह दी है। अगर पहली लिस्ट की बात करूं कांग्रेस की तो उसमें कम से कम 23 पाटीदारों को जगह दी थी उसने, तो अगर दोनों का आंकड़ा जोड़ा जाए, दोनों का अगर टोटल किया जाए तो 43 पाटीदार हो गए अगर कांग्रेस की अगर बात करूं, क्योंकि अभी थोड़ी लिस्ट आनी और बाकी है तो ये आंकड़ा और बढ़ भी सकता है। और बीजेपी की अगर लिस्ट की बात करूं तो 182 में 52 पाटीदार को टिकट दिया है बीजेपी ने, और जबकि 3 लिस्ट आई है कांग्रेस की और इनका आंकड़ा सीधे पहुंच गया है 43। क्या लगता है कि बीजेपी सही कर रही है स्ट्रैटेजी पाटीदार को लेकर या कांग्रेस की रणनीति ज्यादा? देखिए दोनों की बात अगर हम बात करें कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, देखिए इस वक्त गुजरात जो है वो हम बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि जातीय समीकरण में उलझ कर रह गया है इस वक्त गुजरात में। इस वक्त जो है जाति के मुद्दे पर सिर्फ राजनीति हो रही है, हालांकि बीजेपी के लिए खतरनाक चीज़ साबित होगी, क्योंकि बीजेपी के साथ हमेशा ये रहा है कि वो धर्म की राजनीति को तरजीह देती है, जिस तरीके से वो हिंदुत्व वर्सेस अदर कर देती है, तो जिस तरीके से इस वक्त जो है बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किल हो रही है कि जाति समीकरण जो उलझ गया और ज़्यादातर जाति जो फैक्टर हैं वहाँ पर दलित हों, OBC हों या पाटीदार हों, बीजेपी के साथ नहीं है। और काशिप जी सबसे बड़ी बात, एक सबसे बड़ी सीट का इंतजार किया जा रहा था कि कांग्रेस आखिर इस सीट से किसको उम्मीदवार बनाती है, आशंका व्यक्त की जा रही थी कांग्रेस अपने खुद को मुस्लिम का हितैषी कहती है, बीजेपी को तो एंटी मुस्लिम कहा ही जाता है, लेकिन कांग्रेस भी अब इसमें पीछे नहीं है। गोधरा की सीट की बात कर रही हूँ मैं दर्शकों, गोधरा 126 नंबर सीट, जहाँ पर मैं चाहूँगी 57 नंबर सीट की बात कर रही हूँ मैं, और 57 नंबर है और 126 नंबर की सीट है गोधरा, जहाँ से खड़ा किया है उन्होंने राजेंद्र सिंह पटेल को खड़ा किया है गोधरा से। और वहीं बीजेपी की अगर बात करूँ तो बीजेपी ने भी वहाँ से एक हिंदू को ही टिकट दिया है। क्या लगता है शहमात का खेल चल रहा है? बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है गोधरा में 20 से 25 जो है प्रतिशत मुसलमान है वहाँ पर, और जिस तरीके से गोधरा 2002 के बाद से वहाँ कोई भी बीजेपी का कैंडिडेट नहीं जीता है, और जिस तरीके से अब बीजेपी ने जो कैंडिडेट उतारा है, कांग्रेस ने भी जो कैंडिडेट उतारा है, इसमें सही कहा आपने कि शहमात का खेल चल रहा है, अब एक दूसरे को पछाड़ने की हम कह सकते हैं कि गोधरा को जीतने की तैयारी होगी। हालांकि गोधरा का वो दाग 2002 का अभी धुला नहीं है, लोगों में कहीं ना कहीं डर है, भय है, तो उस डर को भय को कहीं ना कहीं अब बीजेपी भुनाने की कोशिश कर रही है, और कहीं ना कहीं कांग्रेस भी अब उससे दो हाथ आगे पार पाने की कोशिश कर रही है। जी वाकई, और मेरे पास अभी भारतीय जनता पार्टी की पहली लिस्ट है और मैं आपको दिखाना चाहूंगी गोधरा जो कि 126 नंबर की सीट है, वहां से श्री सीके राहुल जी को टिकट दिया है जो कांग्रेस से आए हैं बीजेपी में इस बार। और वहां पर अगर मैं इनकी बात करूं, कांग्रेस की लिस्ट की बात करूं, तो इन्होंने राजेंद्र सिंह पटेल को टिकट दिया है, दोनों तरफ मुस्लिम उम्मीदवार हैं। सीके राहुल जो कि कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हो गए हैं, कहां ऐसा जा रहा है कि गोधरा की सीट इस बार बीजेपी ही जीतेगी? बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है कि जिस तरीके की राजनीति हो रही है, जिस तरीके से दोनों कैंडिडेट्स को अगर हम देखें, अगर हम उनकी कांग्रेस की बात करें, बीजेपी की बात करें, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से बीजेपी गोधरा में जिस तरीके का दूसरा कार्ड खेलने की कोशिश कर रही है, तो इससे साबित हो सकता है कि बीजेपी के लिए ये बेहतर साबित हो सकती है कि गोधरा सीट इस बार बीजेपी के पाले में आ जाए। जी और वाकई सीके राहुल जी, जैसा कि आपने मुझे बताया था काशिप जी, कि वहाँ से लगातार वो चुनते रहे, वहाँ पे गुजरात की जनता वोटर्स ने उन्हें ही वोट दिया है, और इस बार वो बीजेपी के खाते में चले गए, तो हो सकता है कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किलों भरा सबब हो सकता है। हालांकि वहाँ पटेल उम्मीदवार को खड़ा करके कहीं ना कहीं फिर से गोधरा सीट को पाटीदार के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो कांग्रेस ने भुलाने की पूरी कोशिश की है, और कहीं ना कहीं दोनों पार्टियाँ एक दूसरे से पीछे नहीं रहना चाहती हैं, और शहमात का खेल चल रहा है।
है दोनों में। और आपको बताना चाहूंगी जो कांग्रेस की लिस्ट है उसमें एक सबसे बड़ी ये भी खबर है कि जिस तरह बीजेपी की छठी लिस्ट को लेकर बवाल हो रहा है आनंदीबेन पटेल के टिकट को लेकर, सेम वही कुछ कंडीशन कांग्रेस में भी चल रही है। अहमदाबाद सीट है जो, वहां पर अरविंद सिंह चौहान को टिकट देने पर विवाद हुआ है और कहा गया है कि उनको टिकट क्यों दिया गया है। और अगर मैं मुस्लिम कैंडिडेट की बात करूं कांग्रेस की, तो कुल मिलाकर अभी तीसरी लिस्ट में अगर टोटल उनका आंकड़ा देखा जाए, अभी आने वाले समय में और सीटों को उम्मीदवार घोषित करेगी कांग्रेस, कम से कम 4 मुस्लिम को टिकट दिया गया है 182 में 4 मुस्लिम। कांग्रेस तो खुद कहती है कि हम मुसलमान के हित की राजनीति करते हैं, तो अब वो बीजेपी की तरह क्यों बन रही है, उसको टिकट क्यों नहीं दे रही? बीजेपी तो नहीं देती है, उसका तो सिद्धांत है वो टिकट नहीं देगी, लेकिन कांग्रेस कहाँ जा रही है? नहीं देखिए, बीजेपी का सिद्धांत तो हम नहीं कह सकते कि सिद्धांत एक अलग चीज़ हो जाती है, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस ने 4 लोगों को टिकट दिया है मुस्लिम को, जिस तरीके से दूरियां बना रही है कांग्रेस, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी इसमें चौंकाने वाली बात हो सकती है कि कांग्रेस जो है वो कहती है कि हम अल्पसंख्यकों के हितों की राजनीति करते हैं और कहीं ना कहीं वो सेकुलर अपने आप को बताती है कांग्रेस पार्टी, तो जिस तरीके से वो सेकुलर का जो तमगा लगाकर कांग्रेस चलती है और इस बार जिस तरीके से 4 मुसलमान लोगों को टिकट दिया गया है, तो कहीं ना कहीं उनके सेकुलरवादी जो कह सकते हैं सोच है, अब वो उससे कहीं हटकर अब दूसरी राजनीति की तरफ। जी, और मैंने सिद्धांत की बात की है, बीजेपी के सिद्धांत की, मुस्लिमों को टिकट नहीं देती। मेरे सिद्धांत का कहने का मतलब दर्शकों ये है, क्योंकि पार्टी में गिने चुने ही कुछ मुस्लिम नेता हैं। अगर बात करूँ शाहनवाज हुसैन की जो कि बीजेपी में है, मुख्तार अब्बास नकवी की बात करूँ, शाहजहां इल्मी की बात करूँ, या फिर नजमा हेपतुल्ला की बात करूँ, कुछ 4 मिला के ही ऐसे कुछ नेता हैं मुस्लिम जो कि नजर आते हैं। हालांकि और बीजेपी में ऐसे और कोई मुस्लिम नेता नहीं है, तो मैंने इसी बात को मद्देनजर रखते हुए कहा। और 1998 के बाद कोई भी सीट उन्होंने मुस्लिम को नहीं दी है, इससे कहीं ना कहीं ये बात कहीं ना कहीं लग रही है कि वो मुस्लिमों से प्यार तो करते हैं लेकिन उनको टिकट देने से कतराते हैं। हालांकि जैसा कि गोधरा कांड हुआ उसके बाद से वहां पर बीजेपी की सरकार लगातार सत्ता में आ रही है, वो कहीं ना कहीं दर्शा रहा है कि गुजरात के मुस्लिम बीजेपी से नाराज नहीं है, भले वो उनको टिकट ना देते हो। और खुद वहां पर जो अल्पसंख्यक मोर्चा देख रहे हैं वो बीजेपी में, उनका खुद का कहना था कि भले ही बीजेपी टिकट ना दे रही हो लेकिन वहां के मुस्लिम नाराज नहीं है बीजेपी से। खैर, अभी बात करते हैं जातीय समीकरण को लेकर, तो अभी जिस तरह से कि कांग्रेस में भी ठाकुर का वर्चस्व बहुत लग रहा है और बीजेपी में भी ठाकुर का वर्चस्व लग रहा है पटेल के बाद, तो क्या लगता है ओबीसी नेता जैसा कि अल्पेश ठाकुर, तो क्या उनका भी भारती पटेल के बाद दबदबा दिख रहा है कांग्रेस में? बिल्कुल, जाहिर सी बात है, अल्पेश ठाकुर हो या फिर जिग्नेश मेवानी हो या फिर हार्दिक पटेल हो, लगातार जो है वो राहुल गांधी के फेवर की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी के साथ जुड़ने की बात कर रहे हैं। तो जिस तरीके से आपने कहा कि अल्पेश ठाकुर जिस तरीके से अपनी राजनीति अलग कर रहे हैं, वो कांग्रेस के साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को इसका फायदा होगा। जी वाकई, और जिस तरह से कि राहुल गांधी स्ट्रैटेजी बना ही रहे हैं, उन्हें 3 तिकड़ी चाहिए, हार्दिक पटेल, जिग्नेश मेवानी और अल्पेश ठाकुर, हार्दिक पटेल ने तो पत्ते साफ कर दिए हैं और कहीं ना कहीं जिग्नेश मेवानी भी साथ में ही है और अल्पेश ठाकुर भी नाना कहते हुए आखिरकार साथ वो कांग्रेस का ही देंगे। और वहीं अगर बीजेपी है तो एकला चलो रे वह 3 बीते कई सालों से गुजरात की सत्ता पर काबिज है और पूरा विश्वास है कि इस बार भी उनकी ही सरकार आएगी गुजरात में, लेकिन इस बार बहुत से अहम मुद्दे हैं जो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए कमजोरी साबित हो सकते हैं। और सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ी कमजोरी ये हो सकती है वहाँ पर बीजेपी का कोई चेहरा नहीं होना। सिर्फ पीएम मोदी हैं लेकिन अब वो प्रधानमंत्री बन चुके हैं, पहले वो मुख्यमंत्री थे वहाँ पर, तो बीजेपी के लिए बहुत बड़ा एक प्लस पॉइंट था, अब वो वहाँ पर नहीं है। हालांकि अब आज से पीएम मोदी भी गुजरात के दंगल में कूद चुके हैं और वो लगातार अब रैलियाँ करेंगे, गुजरात की जनता को संबोधित करेंगे। उनकी वाक्यशैली से तो आप लोग परिचित ही हैं, वो किस तरह शब्दों का समा बांधते हैं और शब्दों के तीर चलाते हैं जिससे वो कहीं ना कहीं उन भाव विभोर कर देते हैं गुजरात की जनता को, गुजरात की जनता खींची हुई चली जाती है। खैर, अभी 2 लिस्ट की बात मैंने की है, कांग्रेस और बीजेपी। अब कांग्रेस बीजेपी ने तो 182 पर उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं जो सीटें हैं, लेकिन हालांकि भी कांग्रेस की सीटें बाकी, देखना होगा कांग्रेस आने वाले समय में और किन किन उम्मीदवारों पर दाव खेलती है और कितना अभी पार्टी में टिकट को लेकर और अंतर्कलह मचती है। तो दर्शकों, आज के खास प्रोग्राम में बस इतना ही, कल फिर से आपके सामने हाजिर होंगे एक और अहम मुद्दे के साथ जो जुड़ा होगा गुजरात से। तब तक के लिए नमस्कार।